आरोग्य जागृति। सभी पक्ष के जो लोक प्रतिनिधि है इस कोरोना महामारी में काफी बैकफुट मतलब पीछे दिखते हैं, क्या हर एक मुद्दा आता है तो हर एक लोक प्रतिनिधि सामने आकर लड़ता है, लेकिन हम अभी देखा जाएगा लोग कोरोना महामारी के ऊपर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, आगे आके उसके ऊपर कुछ हाल निकाला जाए। कुछ लोग कुछ प्रतिनिधि जो इससे लड़ना चाहते हैं या फिर आगे आकर बात करना चाहते हैं तो उन्हें दबाया जाता है, उनके ऊपर एलिगेंस लगा जाता है। अभी घाटी शासकीय रुग्णालय जो मराठवाड़े में काफ़ी इसका नाम है, जो 18 स्टेट से लोग यहाँ पे आकर उसका इसके ऊपर उपचार लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इतना बड़ा तादाद पे पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन लोगों को वहाँ जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोगों में जो डर बैठा है कोरोना के बारे में, क्या कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ जाने के बाद वहाँ अगर पेशेंट जाता है तो सीधा उसका बॉडी ही लेके आना पड़ता है, इन लोगों में एक डर बैठा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद का जो घाटी हॉस्पिटल जो बताया जाता है, ये हॉस्पिटल नंबर 1 है, यहाँ पे उपचार अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ डॉक्टर के हलगर्जीपना ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कुछ निगले एलिगेंस तो लग रहे हैं, उसको भी हमको देखना ज़रूरी है। अभी वहाँ पे कुछ बताया जाता है कि वहाँ पे कुछ एजेंट लोग सामने आ रहे हैं, अब एजेंट है कौन, ये स्थानीय डॉक्टर के जो प्रतिनिधि है ऐसे हम बोला जाएंगे, क्योंकि हमने प्रतिनिधि एक शब्द जो है लोक प्रतिनिधि है, प्रेस के प्रतिनिधि है, लेकिन ये डॉक्टर्स के प्रतिनिधि है ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन आज लोग बोलते हैं एजेंट, जिसको सादे भाषा में बोले तो एजेंट बोला जाता है। घाटी में अभी पेशेंट वहाँ से बाहर निकालने के लिए इनको पैसा दिया जाता ऐसा लोगों का बोलना है। हम मानते हैं कि लोगों का जो बोलना ये भी सही है, लेकिन अगर वहाँ के जो स्थानीय डॉक्टर ने, घाटी के डॉक्टर ने, जो वरिष्ठ अधिकारी है या फिर डीन जो है वहाँ पे अधीक्षक है, इन्होंने इस बात इस मुद्दे को अगर ज़रूर अपने अपने इसके हिसाब से अगर उस पर एनालाइज किया है तो उनको समझ में आएगा कि पब्लिक क्यों परेशान है। वहाँ पे देखा गया था जो वाइट कपड़े में जाते हैं, जो शूट बूट में जाते हैं, उनको उपचार अच्छा मिलता है ऐसा लोगों का कहना है। हमने वो भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की है, तो वहाँ पर भी हमको वरिष्ठ से कोई ऐसा रिस्पांस मिला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ मीडिया के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने जो वरिष्ठ जो लोग है, जो अधीक्षक हो या डीन हो, ऐसा लोगों का बोलना है। हम तो अभी हम आपको बताना चाहते हैं क्या ये क्यों हो रहा है, लोगों में घाटी के बारे में गलतफहमी क्यों है। हम तो अभी चाहते हैं कि लोगों ने, हर एक पेशेंट ने, गरीब से गरीब पेशेंट ने वहाँ आकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, वहाँ पे अगर डॉक्टर्स के खिसे में कुछ पैसा दिया या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रकरण दबाने की कोशिश किए, ऐसे ही लोगों को वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। जो अभी वहाँ पे चल रहा है, हाल ही में लोगों का चल रहा है कि भाई कुछ खरीदी में कुछ मेडिसिन, सादा ग्लोव्स भी वहाँ पे नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है क्या, शासन का आने वाला निधि ये लोग कहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बताते हैं या लोगों को देते हैं। अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना महामारी के ऊपर, इनको उपचार क्यों नहीं मिल रहा है। अभी देखा गया तो काफ़ी मराठ मतलब बाहर बाहर से पेशेंट आते हैं, कोरोना महामारी इतना फास्ट मतलब औरंगाबाद शहर ऐतिहासिक शहर नाम जाना जाता है, हम नाम का राजकारण न करते हुए हम अगर प्रॉपर मुद्दे पर अगर बात करते हैं, लोग बताते हैं कि औरंगाबाद संभाजीनगर हो उसके ऊपर मुद्दा चलता है, हम बताना चाहते हैं कि औरंगाबाद हो उसका मुद्दा चलता है, हमें इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि आज आरोग्य सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कॉमन मैन के लिए भी है, बड़े करोड़पति के लिए भी है, जनरल सामान के लिए या फकीर मतलब भीख मांगा उसको भी आरोग्य का मुद्दा होता है, तो ये मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है।
अभी माननीय खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कुछ घाटी के बारे में एलिगेंस लगाए थे कि यहाँ पे लूट हो रही है, यहाँ पे पैसा बहुत पैसा लगता है, 30-35 हज़ार रुपये एक पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को देना पड़ता है, ये कौन लेता है, ये कहाँ पे नोंद होती है, ये भी खासदार साहब ने बताया है। लेकिन ये बात फिर दब गई है, इसका रीज़न क्या है? अभी हम ऐसा नहीं बताना चाह रहे क्या खासदार साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने उसको सराहना है, लेकिन ये मुद्दा क्यों दब गया है? तो यानी वो उस मुद्दे के लिए, वो उस वक्त के लिए ही वो लूट हो रही थी, अभी बंद हो चुकी है, तो बंद हो चुकी तो फिर भी पेशेंट की हाल क्यों? ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। अभी आरोग्य जागृति हमेशा की तरह हम भी एक पत्रकारिता के माध्यम से आरोग्य में अच्छे से हम लोगों को एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में का मीडिएट बोल के काम कर रहे हैं। हमें बहुत से लोगों ने ऐसा ही बताया है क्या, बहुत से दलाल लोग, बहुत से घाटी के जो प्रशासन है, इसमें जो आज मुद्दे हो रही है आप मानिए नहीं, इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके लिए कोई उठाता नहीं है। आज औरंगाबाद शहर के लिए डॉक्टर भागवत खराड़ खासदार है, डॉक्टर सॉरी इम्तियाज जलील साहब है, चार चार आमदार है, तो ये लोग कहाँ है? औरंगाबाद का दायरा बहुत बड़ा है, पूरा मिला के 8 आमदार लोग है, 2 खासदार अपने औरंगाबाद शहर के लिए मिला है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन ये अगर सब एक जगह आकर इसमें राजकरण न करते हुए कोरोना वायरस से कैसा लड़ा जाए, इसको कैसा कंट्रोल में किया जाए, अब लॉकडाउन 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 3 महीने से लॉकडाउन किया जा रहा है, ये बराबर है, जनता भी उसे सपोर्ट कर रही है। लॉकडाउन करने से अगर महामारी के ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता था तो ये 3 महीने में अभी तो क्यों नहीं पेशेंट कम हुए, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अब कुछ लोगों में बहुत से अटकलें लगाई जा रही है, क्या पेशेंट को लाते हैं उसके नाम पे कोरोना लिख देते हैं, बहुत से ऐसे हमारे पास सबूत, कुछ फ़ोन कॉल्स आए हैं, उन्होंने बता रहे हैं कि हमारे पेशेंट को बताएंगे हमारा पेशेंट डेथ हुआ है, आप एक काम करो उस पे कोरोना नाम डालो, हम आपको पैसे देते हैं। अभी कितना सच है ये आज हम उसके बात नहीं करेंगे, क्यों? क्यों आज वो वक्त नहीं है कि हमें कुछ बात से उसको लेके चलना है। हम कोरोना के वायरस से लड़ने के लिए आज माननीय पुलिस आयुक्त ने जो 3 दिन का लॉकडाउन का, जिला अधिकारी, विभागीय आयुक्त, महानगर पालिका आयुक्त, जो सब लोगों ने मिलकर ये 10 दिन का लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है, इस बात से हम जनता के तरफ से बहुत ही आपका शुक्रगुजार है। लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन में आपने कितने लोगों पे कार्रवाई की, कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया, राजकीय पक्ष कितने लोग आपके साथ में है, और हम ये जानते हैं कि लोक प्रतिनिधि ही इसमें सबसे बड़ा दुआ है। क्यों? आज लोक प्रतिनिधि को जनता चुन के देती है, एक नगर सेवक एक वार्ड का, नगर सेवक ही पूरे वार्ड को कंट्रोल कर सकता है, उसका कारण उसको पूरा एक से एक गली का दायरा मालूम रहता है, इस घर में कितने पेशेंट हैं, इस घर में कहाँ से बाहर से कितने लोग आए हैं, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान कैलकुलेशन है। अगर मान लो बड़े गांव के जैसा एरिया में पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ के नगर सेवक को प्रशासन ने बुलाकर वहाँ की जनता का सर्वे करना चाहिए, बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये नहीं होता है। कोरोना का पेशेंट वहाँ पे निकला, धन 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 सब प्रशासन जमा हो जाती है, उसको एक आतंकवादी का लेबल लग जाता है। अब जनता बताती है कि हमको आतंकवादी का लेबल क्यों बताया है, मतलब उस तरीके से क्यों ट्रीट किया जा रहा है। हाँ, अगर कुछ वायरस से उसको तकलीफ हो रही है तो उसे इज्जत से उसको बताइए, उसको समझाइए, उसकी काउंसलिंग करिए, उसके फैमिली को काउंसलिंग करिए, ये ना कि उसके पूरे फैमिली में, उसका पूरा एरिया में उसका डंडोरा पीटे क्या है, कोरोना पॉजिटिव निकला, कोरोना पॉजिटिव निकला, उससे क्या हासिल होने वाला है, उससे और दहशत बदलती बढ़ती है
और दहशत की वजह से लोग सामने आने में कतरा रहे हैं। अगर मान लो मुझे कुछ तकलीफ होती है, मुझे बताना चाहता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को अगर सांस की तकलीफ है, बुखार है, सर्दी है, तो मैंने इमीडिएट मैंने आपसे अपना खुद का संरक्षण खुद होकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर साहब मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ है, मुझे मेरा टेस्ट करवाइए। अब आती है टेस्ट का मसला। हम शासन बताती है क्या शासन के शासकीय रुग्णालय में ये फ्री में मुफ्त में किया जा रहा है। बहुत मजे की बात है दोस्तों, जब मुफ्त में किया जा रहा है तो फिर पैसे के लिए आप प्राइवेट में क्यों उसको ये करते हैं। जब प्राइवेट में जाता है तो वो बताते हैं कि भाई 5,000 4,500 रुपये आपको खर्चा आ जाएगा। ठीक है, जनता उसके लिए भी आगे आती है। जब वहाँ पे टेस्ट होता है तो नहीं आपको पॉजिटिव निकला तो रिपोर्ट बताइए। अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मेरे हाथ में रिपोर्ट चाहिए, हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, इसका रीज़न ये है, ये सीक्रेट है, आई नो सीक्रेट है, लेकिन मैं तो मेरा खुद का सेल्फ फेस करना है, मुझे मेरे परिवार को बचाना है, मेरे परिवार के साथ मेरे जो मेंबर्स हैं, घर के मेंबर 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर के मेरे फैमिली और मेंबर हैं, उनको पता चलेगा तो मैं उनसे दूर रह सकूं, मैं खुद को खुद क्वारंटाइन करके मेरे होम क्वारंटाइन में हो जाऊं, यानी सरकार का बोझ कम हो गया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता है, और वो शेख को कोरोना हो गया है, जो डिनर और पूछता है सब पेपर में पब्लिश नाम होता है, ये होता है, तो सब पब्लिक में दोस्त जो भी है तो दूर दूर रहते हैं, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है उसको कोरोना नहीं है, तो जब तब क्या करेंगे। ऐसे वक्त में जब बताते हैं हम क्या कोरोना हुआ है तो उसका रिपोर्ट बताइए, कोरोना है सीक्रेट, आई नो सीक्रेट है, लेकिन मुझे तो पता चाहिए मुझे कोरोना हो चुका है, खाली बोलने से नहीं चलेगा। क्यों? क्यों मैं अगर सही भी मेरे को पॉजिटिव रिपोर्ट मेरे हाथ में है तो मैं मेरा खुद को होम क्वारंटाइन कर दूंगा, मेरे पास कुछ किसी को भी नहीं आने देने दूंगा। इसमें काफ़ी डॉक्टर्स भी सफ़र हो चुके हैं, उन्होंने भी नहीं डरे हैं, उन्होंने पता है कि हमें अपने खुद को हुआ है वायरस तो उसको निपटाना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट है, उसका सब कुछ है, इम्यूनिटी पावर कैसा बढ़ा जाता है, सब एकदम फ्रेश इसमें रहता है, तो वो जल्दी से क्योर होके बाहर आता है। लेकिन अगर मैं डिप्रेस में चल जाऊँ, मुझे काउंसिलिंग नहीं मिलेगा, अरे बाप रे कोरोना हो गया आप गए तुम्हारे फैमिली पूरी चले गए, तो मैं पहले ही मर जाता हूँ। तो सोचिए दोस्तों, हम बोलना चाह रहे हैं कि कोरोना क्या है, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस से क्या होता है। सिंपल तरीका है, औरंगाबाद के 113 वार्ड है, 3 आमदार है, 3 पूर्व पश्चिम मध्य 3 आमदार है, ये सब एक जगह बैठे, एकदम सिंपल तरीका है, प्रशासन उसको सपोर्ट करना चाहिए, पुलिस प्रशासन सामने साथ में है, जिला अधिकारी के कार्यालय वो साथ में है, तुम्हारे जिला परिषद है वो है साथ में, सबको लेके साथ में बैठे और आप बताएं कि भाई आप कहाँ से पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मान लो पड़ेगा में पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं, इसके तादाद बढ़ने का वजह क्या है, सिंपल तरीका, वहाँ से लोगों को बुलाओ, कौन बाहर से आया है, मुंबई से कौन आया है, पुणे से कौन आया है, किसके घर में है, उसका नाम पता सब बताइए, या फिर जो बोलते हैं आप जैसा भी कोई दामाद है या कोई बाहर की लड़की आई है, इस सब का बहुत बड़ा अच्छे से एकदम सर्वे करे, तो मेरे हिसाब से हमको लगता है कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा कोई कर रहा नहीं, खाली कोरोना का डिंडोर पीट रहे हैं, हो रहा कुछ भी नहीं। सिविल हॉस्पिटल में जाइए आप, रांगों से रांग, कोई मिलने को तैयार नहीं है, सिविल सर्जन किससे बात करने को तैयार नहीं, वहाँ के डॉक्टर किससे बात करने को तैयार नहीं, महानगर पालिका के डॉक्टर जगह पर रहते नहीं, किससे बात करें, जनता किससे बात करे बताइए आप। घाटी में जाते हैं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद, जिसका नाम पूरे मराठवाड़े में है, जिसकी नज़र सब शासन की पूरा निधि वहाँ पे आता है, तो ये निधि जाता कहाँ है। और डीन मैडम से बात करना चाहेंगे हम, तो डीन मैडम बताते हैं हम बिजी है, हमारे असिस्टेंट से बात करो, वो बताते हैं कि हमको बोलने का अधिकार नहीं है, तो अभी किधर से हमको मालूम मिलेंगी, और या कहाँ तो हम लोगों को तो बता सकते, जन जागृति करना बहुत ही ज़रूरी है, और इसे इसमें जनता ने भी सहकार्य करना जरूरी है। तो हम सब हमारे आरोग्य जागृति के माध्यम से हम आपको एक ही आह्वान करना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, घर में स्वच्छता रखो, हाथ साफ धोइए, मास्क लगाइए, और कृपया करके बाहर की आने वाली व्यक्ति
अपना खुद का खुद टेस्ट करवाइए। सिंपल आसान तरीका है, अगर आप इसमें साथ देंगे तो प्रशासन भी आगे बढ़ेगा, प्रशासन के समझ में आएगा कि अपन कहाँ पे गलत हो रहे हैं। अगर प्रशासन को अपन साथ नहीं देंगे, पुलिस के ऊपर हाथ उठाते हैं, पुलिस अपने लिए, डॉक्टर अपने लिए, खुद की फैमिली को जोखिम में डालकर वो खुद आपसे आपके संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में आप उन पे हाथ उठाते, डॉक्टर पे हाथ उठाते, कितना शर्म की बात है हमारे लिए। हम बहुत मतलब एक 15 साल से तो मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत डॉक्टर्स के नज़दीक से देखा हूँ, डॉक्टर क्यों हाथ उठा रहे हैं, डॉक्टर आगे आने में क्यों कतरा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि कितना भी अच्छा करो पेशेंट के साथ में, डॉक्टर तो ज़िंदगी भर मतलब उसकी पूरी लाइफ में पेशेंट के खिलाफ कभी काम नहीं करता, पेशेंट को तकलीफ हो ऐसा कोई काम नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि उसका एक्सपेंसेस जो है कम ज़्यादा हो सकता है, एक हॉस्पिटल में अलग होगा, एक हॉस्पिटल में अलग होगा, ये हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका वो उनका मसला है। आपको अच्छा लगता है तो आप जाइए, नहीं लगता है तो आप दूसरा हॉस्पिटल लेते हैं, अगर वहाँ पर भी नहीं लगता है तो आप शासकीय रुग्णालय में जाइए। मैं तो पहला सबसे पहला एक ही आपको ये रहेगा, कैंसर हो या बड़े बड़े जो भी बीमारी है, तो शासन ने अपने लिए, गवर्नमेंट ने शासकीय रुग्णालय, कैंसर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, ये सब अपने लिए बनाए हैं, महानगर पालिका, ये सब अपने लिए बनाए हैं। तो प्रशासन ने भी अपनी जवाबदारी अपने अगर खुद लिए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से लोग बचेंगे। नहीं जाना है तो जाइए, सबको अपना अपना हक होता है, खुद का ट्रीटमेंट लेने में खुद इख्तियार है अपना खुद का, बराबर है ना। तो ऐसे टाइम में अगर हम इधर ध्यान न देते हुए अगर जो प्रशासन के डॉक्टर है उनके ऊपर अगर अंकुश नहीं लगाएंगे, वक्त पे नहीं आना, डॉक्टर पेशेंट से बराबर बात नहीं करना, रिलेटिव से बराबर बात नहीं करना, अरोगेंट भाषा करना, ये हमारे पास नहीं है, बाहर से मंगाना, इसके जब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वो उनकी जो टेस्ट होती है बिना, आज सबको अपना अपना लाइफ प्यारा है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने अगर उसको कुछ सलाह दी कि भाई ये टेस्ट कर लीजिएगा, तो उस टाइम में बोलता है कि बस आप ये करना ज़रूरी है क्या। यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट में थोड़ा सा वाद होता है, वाद होने का कारण क्या है कि भाई ज़रूरी नहीं करने का, ठीक है डॉक्टर बोलता है ठीक है नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ बीच में किंतु परंतु हो जाता है फिर डॉक्टर पर ब्लेम होता है कि तुमने क्यों नहीं किया। आप डॉक्टर हो, MBBS हो, MD है, जो भी है स्पेशलिटी हो, फिर आपने क्यों नहीं टेस्ट किया, यानी उल्टा डॉक्टर्स के ऊपर ही ब्लेम किया जाता। तो बोलने का मकसद ये है क्या, डॉक्टर और पेशेंट का जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जो गलत फहमी हो रही है, ये केवल माहौल की वजह से हो रही है, बाकी डॉक्टर भी पेशेंट से कभी झगड़ा नहीं करता है और पेशेंट डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करता है। आपको हम बताने में एक बहुत ही हमारे आरोग्य जागृति के माध्यम से हमने एक मूवी निकाला है, शॉर्ट मूवी अनकट, जिसमें बताया है कि डॉक्टर और पेशेंट में क्यों वाद होता है, क्यों झगड़ा होता है, डॉक्टर पे पेशेंट क्यों हाथ उठाता है, डॉक्टर के पेशेंट को मारता है, पेशेंट डॉक्टर को मारता है, ये कभी नहीं होता है दोस्तों, ये होता है केवल मिसअंडरस्टैंड, और जो भयकाता है जिसका इस विषय से कोई लेन देन नहीं रहता है, कहीं थे काका पोपी मामा जो पाप चाचा वो जो भी होता है रिलेशन होता है उसका, या फिर दोस्त के हिसाब से आता है, वो अपना वर्चस्व गजाने के लिए, बताने के लिए दोनों के संबंध खराब करता है, ये हमने वो मूवी में बताने की कोशिश की है। आप ज़रूर देखें, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर्स पे कभी हाथ मत उठाइए, और डॉक्टर लोगों को भी हम हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि पेशेंट की मानसिक और आर्थिक परिस्थिति समझ लीजिएगा, अगर आपके पास ट्रीटमेंट नहीं होता है या फिर आप उस मतलब पेशेंट के रिश्तेदार उस इसमें नहीं है, काबिल नहीं बोल पाएंगे अपन, या लेकिन वो खर्चा नहीं कर पाते हैं, तो उनको समझा कर, काउंसलिंग अच्छे से करवा कर, मेडिकल कॉलेज को लेटर देकर या फिर सिविल हॉस्पिटल में लेटर देकर उन्हें वहाँ पर रवाना कर लीजिएगा, यानी अच्छे से आप समझाएंगे तो वो भी अच्छा रहता है। लेकिन बहुत से हॉस्पिटल में हमने देखा है पैसा जब तक मिलता है, जब तक पेशेंट से अच्छी बात करते हैं, पेशेंट का पैसा ख़त्म हो जाता है,
अब चलो पेशेंट को निकालो निकालो, ये बात नहीं होती दोस्तों। डॉक्टर ने भी अपना पेशा को अपने ओत जो अपन शपथ लेते हैं वो शपथ को सामने रखकर पेशेंट के ट्रीटमेंट के ऊपर ख्याल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज आरोग्य जागृति में हमने इतना बताने की कोशिश की, हर टाइम में हम एक मुद्दा लेके आएंगे आपके सामने, और आरोग्य जागृति ये चाहता है डॉक्टर और पेशेंट में कभी झगड़ा ना हो। वैद्यकीय विषय डॉक्टर्स का विषय है, ये रोड पे ना आए, इसका वजह ये है डॉक्टर के बिना पेशेंट को होता नहीं है, और पेशेंट नहीं तो डॉक्टर का कोई मतलब नहीं है, समझे दोस्तों। तो अभी चलिए, आज हम जीवनदायी योजना के ऊपर बात कर रहे थे, हम कल एक विषय पे फिर जीवनदायी के मुद्दे के ऊपर आएंगे। हमारा एक ही मुद्दा है, महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत सभी को, सभी को यानी ग्रामीण से लेके टॉप तक सबको मालूम हो, भला ही एखादा जो कंपनी वाला रहता है, जो बोलते हैं ना ओनर, जिसके पास 30 से 35 या 50 हज़ार ऐसे वर्कर्स रहते हैं, अगर वो मालिक को नॉलेज हो इस बारे में तो वो भी अपने पेशेंट को, अपने जो काम करने वाले कर्मचारी को इस योजना का फ़ायदा दिला सकता है। लेकिन होता है ऐसा है, कर्मचारी को कुछ मालूम नहीं रहती है, मालिक को लेना देना नहीं है, वो आता है चलो कितना होना तुमको एडवांस, 5,000 रुपये डाल दिए, 20,000 रुपये डाल दिए, एडवांस लेके वो ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन वो नहीं जाता है, जानता है इसके 5,000 रुपये बच जाएंगे तो हमारे लिए ये बंदा बहुत आगे ज़िंदगी भर अपना काम करता है, हमें इतने कमाई करवा के देता है, तो हम इसे मदद करें। तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, ओनर है इनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, इनको मालूम देना बहुत ज़रूरी है, इनको मालूम रहती है लेकिन ये कौन दिमाग खाए, किसको बताए, कर्मचारी क्यों। तो ये शासन ने भी एक ऐसा कड़क नियम लाना चाहिए कि उनको एक महीने में एक बार काउंसलिंग के लिए एक उनको काउंसलिंग सेंटर बनाना, इतनी अच्छी बात है दोस्तों। हम बताना चाह रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत सभी ने उपचार लेना चाहिए। धन्यवाद, चलिए मिलते हैं। आरोग्य जागृति।